मंच पर खड़े दोनों राजनीतिक दलों के तमाम वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथी, मैं किस किस का नाम लूं, सारे हीरे मोती द्वारा साथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने सदैव अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। 5 वर्ष पहले हिसार की धरा पर चुनाव हुआ, उससे पहले मुझे भी यहाँ लड़ने का मौका मिला और मेरे पिताजी को भी मिला। 5 वर्ष पहले आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपने अपने बच्चों के मुंह का जवाहरा छीन करके अदना सा पौधा यहाँ पर बनाया। 5 वर्ष में अगर इस अदने से पौधे ने आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ाई हो, आपकी बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में धड़ल्ले से उठाने का काम किया हो, आपकी भावनाओं पे खरा उतरा हो, तो इसे वही प्यार आशीर्वाद स्नेह सवाया करके दे देना। और अगर इसने नहीं किया हो तो ये पार्टी वाला निशान है चप्पल, ये इसके सिर में मारना दबा कर। मैं तो ये अधिकार दे सकता हूँ और अधिकार से आपसे बात कर सकता हूँ। बात तो अब चुनाव के दौरान सारी चलेगी, कहेंगे करते रहेंगे और पहले भी करते रहे हैं जब भी मौका मिला है। चौधरी हर्ष कुमार जी हमारे पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, पलवल से चलकर के आपके बीच में इस अजीज को आशीर्वाद देने आए हैं। नवीन जय हिंद जी हैं, सरदार निशान सिंह जी हैं, आपका प्रत्याशी है भाई उमेश लोहान है, मेरे अजीब साथी नरेंद्र सांगवान जी हैं, अनूप धानक जी हैं, पृथ्वी नंबरदार जी हैं, चौधरी पूरन सिंह जी हैं। तो कहना पहले मैं किस किस का नाम लूं, सारे मेरे हीरे मोती ज्वारात साथी हैं। अर्जुन सिंह जी गुजर पूर्व में विधायक हमारे, वो भी आशीर्वाद देने यमुनानगर के दूसरे छोर से आए हैं, उनका सदैव स्नेह रहा है। तो सब साथी अब पूरी ताकत से जुट करके अपना चुनाव समझ करके, पता नहीं चुनाव में किस किस तरह की बातें चलती है चलेगी, हमने तो हमारा काम करना है, ना नुक्ताचीनी करनी, ना छींटा कसी करनी, ना किसी पे ब्लेम करना, हमने अपना काम करना है। और लोगों से ये कहना भाई अगर हमें आपको वो क्षमता दिखाई देती हो तो हमारे उम्मीदवार को वोट दो, बस यही बात करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।